हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फिर से बताते हैं कि कल के सेशन में हम लोग, यानी मंडे के सेशन में हम लोगों को निफ्टी 50 में किस तरह का मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को निफ्टी जिस तरह से क्लोजिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स, 2,500 के ऊपर ही क्लोजिंग मिला हम लोगों को। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू जिस तरह से मार्केट में सेलिंग था, और प्रीवियस डे हम देखिए जब मार्केट में होल्ड कैंडल बना हुआ था, यहाँ पर होल्ड किया मार्केट ने यहाँ पर। तो देखिए जिस तरह से बैक टू बैक सेलिंग आ रहा था ना, ये एक पॉज हो गया था, क्योंकि बैक टू बैक सेलिंग तो नहीं आने वाला। यहाँ पर देखिए 2 दिन हम लोग को मोमेंटम मिला, तीसरे दिन मार्केट ने यहाँ पर पॉज लिया। अब देखिए ये कंटिन्यू भी यहाँ पर हो सकता है। और ऑलरेडी अगर जो लोगों ने एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर जब लोगों ने एनालिसिस किया था, वो जाके आप एक बार चेक कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो वो वीडियो फिर से आप देख लीजिए, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अभी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को इंटर बेसिस पर क्या प्लानिंग हम लोगों का करना चाहिए। देखिए इंटर बेसिस पर 23,500 ये लेवल नोट करके रखिएगा। मैं अभी ये लेवल आप लोगों को इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 23,500 एक राउंड लेवल भी है, और प्रीवियस जो है तो अगर कहना कि इसके पास सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा था। तो फर्दर जो सेलिंग आएगा मार्केट में 23,500 के नीचे ही हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इसके नीचे ही मे बी सेलिंग यहाँ पर आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आएगा, आ सकता है सेलिंग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 23,500 का लेवल आप लोग माइंड में रखिएगा। और इंटरनेट बेस पर फिर मार्केट मान लीजिए 23,600 से लेके ये 500, ये छोटा सा बॉक्स के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है, तो फिर मार्केट का फ्लैट ओपनिंग होता है, डाउन साइड आता है, 23,500 के नीचे निकलता है, फिर सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलिंग के लिए प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज देखिए आप लोगों को बाइंग करना है फ्रेंड्स इंटर बेसिस पे, तो 23,625 ये लेवल नोट कर लीजिएगा। 23,625 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग आ सकता है, जो मार्केट को 700 से लेकर 750 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो बाइंग साइड का बस एक ही लेवल है, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स 23,625। और सेलिंग साइड का जो लेवल हम लोगों ने डिस्कशन किया 23,500। अदरवाइज देखिए इसके बीच में ओपनिंग होता है, मतलब जहाँ पे क्लोजिंग मिला फ्रेंड 600-500 के बीच में ऑलमोस्ट, अगर ये लेवल पे कहीं पे ओपनिंग होता है सिंपल सा वेट करना है, क्योंकि मार्केट अगर ये लेवल पे पहुँचेगा तो फिर से यहाँ पे सेलर का एरिया, फिर से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। मार्केट अगर ये लेवल के नीचे निकलेगा तो जो लोगों ने भी यहाँ पे बाय करके बाय किया होगा, डेफिनेटली लोगों ने अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रखा हुआ होगा। इसके नीचे निकलते एक हम लोग सेलिंग का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, और यहाँ पे आता है तब भी हम लोग को सेलिंग का ही मोमेंटम मिलेगा। तो कहना कि मार्केट में अभी भी फ्रेंड्स नेगेटिव है, सेलिंग के लिए प्रेफर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को प्रॉपर लेवल वाइज काम करना है। सेलिंग का लेवल जब उन्होंने डिस्कशन किया 23,500 के नीचे, फिर से हम लोग को फ्रेश सेलिंग में भी देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज इंटरनेट बेसिस पर ये लेवल पर मिलता है 23,600 लेके 625, तो वहाँ थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता है और सस्टेन कर पाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को बाइंग का सिनेरियो में भी देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। अदरवाइज इसमें मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन केस में थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मार्केट में। देखिए गैप डाउन केस में थोड़ा सा अगर रिकवर भी आता है तो फर्दर 23,500 एक अच्छा खासा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि देखिए मार्केट से गैप डाउन होगा तो प्रीवियस सपोर्ट के नीचे में ओपनिंग हो रहा, तो फिर सब यही सपोर्ट मार्केट में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो गैप डाउन के केस में अगर मार्केट 23,500 के पास मिलता है तो वहाँ पे एक बार मैं सेलिंग के लिए प्लानिंग करूँगा, और जब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स गैप अप कौन से लेवल पर, अगर मान लीजिए गैप अप होता है तो गैप अप कौन से लेवल पर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मान लीजिए 23,700 के पास गैप अप होता है तो यहाँ पर फिर से हम लोग सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली सेलर का एरिया है यहाँ पर। तो 23,700 के पास अगर मान लीजिए गैप अप होगा तो यहाँ पर फिर से सेलिंग ही देखने के लिए मिलेगा। उस केस में क्या होगा, 23,600 तक मार्केट फॉल कर सकता है, फिर यहाँ पे राउंड लेवल के पास पहुँचने के बाद 6,500 पर पहुँचने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेके फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या करना है फ्रेंड्स। तो सिंपल है, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उसके हिसाब से मैं खुद का प्लानिंग करूँगा, आप लोग अपने एंड से देख लीजिएगा डेफिनेटली। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।